नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। बात करेंगे श्रीराम फाइनेंस के बारे में। आज दिन स्टॉक्स में 3.5% तक का गिरावट इसमें देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी आया है। और ये बैड न्यूज़ क्या है तो देखिए, इनका मार्केट कैप में कमी देखने को मिल रही है, और कमी जो है छोटा मोटा नहीं है, पूरा 3,000 करोड़ का कमी हो चुका है इस इनके मार्केट कैप के अंदर। तो ये बड़ा सा गिरावट क्यों हुआ है तो देखिए, जो RBI की तरफ से स्टेटमेंट आया था NBFC को लेकर, NBFC जो है लगातार ना काफ़ी लोगों को लोन दिए बराबर ना, और लोन हाई इंटरेस्ट पे दिया, और उतना लोन वो इंटरेस्ट पे जितना दिया गया उतना मिल नहीं रहा है इनको। तो यहाँ पे ना एक डिफॉल्ट का ना चक्कर पड़ा हुआ, जिस वजह से NBFC इसके ऊपर RBI का पूरा एक्शन चल रहा है। और यही श्रीराम फाइनेंस के ऊपर ही नहीं, जितने भी है जैसे मनप्पुरम फाइनेंस हो गया हो, श्रीराम फाइनेंस हो गया हो, और बाकी कंपनियाँ हैं, तो उन सभी स्टॉक्स में गिरावट चल रहा है। तो ये स्टॉक्स अभी कहाँ तक जा सकता है तो देखिए, पहला तो सपोर्ट लेवल 3,000 रुपये का एक राउंड फिगर साइकोलॉजी नंबर है, यहाँ तक का तो गिरावट देखने को मिल सकता है, मतलब 600 पॉइंट का ऑलरेडी गिरावट देखने को मिलेगा। फिर अगर ये लेवल बाय चांस ब्रेक कर देता तो फिर ये आपको ना अच्छे मजबूत सपोर्ट लेवल पे आएगा, मतलब 2,800 रुपये तक का भी गिरावट ये दे सकता है। तो सारे कंडीशंस बता दिया हम, चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।